अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब और लाइफ कैसी गुजर रही है। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में थोड़ा थोड़ा टाइम पहले एक दावत थी, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं वो उनको मैंने कहा था कि मेरे घर आ जाएं। हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया था, तो फिर वो हम बाहर पहले मिलना था, फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं आप मेरी तरफ आ जाएं। तो ये बहुत जल्दी से ये प्लान बना था एक दिन पहले ही, तो मुझे इसके लिए सारी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया था। तो मेरे मेन्यू में दो तरह की जो था, एक तो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल हमारा जो खाना होता है वो था, और दूसरा मैंने चाइनीज़ के कुछ आइटम रखे थे। तो पाकिस्तानी खाने में मैंने मटन हांडी बनाई थी, चिकन पुलाव और मिंट रायता, और चाइनीज़ में मैंने डायनामाइट चिकन, ओरेंज चिकन, कोरियन स्पाइसी नूडल्स और पिज़्ज़ा हट स्टाइल सैलेड थी। और मीठे में बहुत जल्दी में मैं जब जल्दी से मैंने कुछ बनाना होता है तो फिर मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो कहते हैं शीर खुरमा बनाओ, तो मैंने शीर खुरमा बना लिया था। और साथ में जो मेरे फ्रेंड थे वो केक ले आए थे, तो इस तरह से हमने जो था मीठा इंजॉय किया था। तो अब मैंने करनी थी सारी तैयारी, तो उसके लिए मैंने पहले मेन्यू की लिस्ट बनाई, फिर मैंने अपनी सारी जो चीज़ें लेके आनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो घर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो फिर मैंने वो लेके आनी थी। फिर मैंने सबसे पहले मैंने वो सब चीज़ें लिखी। नेक्स्ट डे मैं उठी और ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़ौरन मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे दो जगह पे जाना था। एक तो मुझे मदीना सुपर मार्केट जाना था, मैं फ्रेश चिकन हमेशा वहाँ से ही लाती हूँ, तो दूसरा मुझे यूनियन कोऑपरेटिव जाना था, मटन मैं वहाँ से लेती हूँ। तो वो सब करने के बाद मेरा टारगेट था, मैंने अपने टारगेट सेट किए हुए थे। मैंने 2 बजे तक घर वापस आ जाना था और 1 घंटा मैंने क्लीनिंग को देना था। फिर मैं 2 बजे घर आ गई, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने सारा घर साफ किया, बच्चों ने भी मेरी हेल्प की थी उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने मेरा जो फोकस था वो बस मैंने खाना बनाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम जो था वो सिर्फ 4 घंटे, 4 से 5 घंटे था, और मैंने जल्दी जल्दी सब रेडी करना था। तो इस तरह से फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना जो जो मैंने अपना टारगेट दिया हुआ था वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक था। तो मैंने 7 बजे तक सब चीज़ें वो रेडी कर ली थी जो पहले से हम करके रख सकते हैं। बस मेरा ये, यस मैंने ये भी बनाया था, ये मुझे अभी नज़र आया, मैंने शेपर्ड पाई भी बनाई थी। तो जो चीज़ें जो गरम गरम सर्व करने वाली होती हैं वो बस मैंने एंड में रखी थी, जैसे पुलाव जो है वो मैं हमेशा गरम गरम सर्व करती हूँ, और कुछ बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं वो भी गरम ही उसकी सर्विंग होती है। तो डायनामाइट चिकन और ऑरेंज चिकन की सॉस भी मैंने गरम बनाई थी, उसके लिए मैंने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक घंटे का टारगेट अपने आप को दिया हुआ था। तो इस तरह से मैं अपनी तैयारी करती हूँ, हर एक चीज़ की अपने माइंड में प्लानिंग कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ चीज़ें अपने पेपर पे लिख लेती हूँ और अपनी जो फ्रिज पे मैग्नेट से चिपका लेती हूँ, ताकि मुझे रिमाइंडर है मैंने इतने टाइम में ये करना है और वो करना है। तो बहुत मज़ा आया था, सबने बहुत इंजॉय किया, फूड सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का बना हुआ था। और जितनी भी मैंने डिशेज़ बनाई हैं इनकी सबकी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ये सब अपलोडेड है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बहुत खुश हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।